नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल उत्तरावत क्लासेस में। आज हम बात करेंगे तीन, चार और पाँच का संपूर्ण, संपूर्ण NCERT पर, जो कि टोटली NCERT पर क्लास होने वाली है। अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, कमेंट्स भी करते रहा करें जिससे आप लोगों का फीडबैक अब मिलता रहेगा। चलते हैं थीम के बारे में। थीम जो है परिवार एवं मित्र, इसका उप थीम है संबंध, कार्य एवं खेल, पशु और पौधे। आप लोगों ने देख लिया परिवार एवं मित्र जो है इसका थीम है, उप थीम जो है संबंध, कार्य एवं खेल और पशु पौधे। इसका मुख्य थीम जो है वो है भोजन, आश्रय एवं जल यात्रा। भोजन, आश्रय, जल एवं यात्रा। हम सोचते हैं और जो करते हैं, इसका मुख्य थीम है जंतु यानी एनिमल। प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षी, रेंगने वाले स्तनधारी के रूप में किया गया, जो सामूहिक रूप से जानवर कहते हैं। जानवर जिसे कहते हैं उनमें कीड़े, पक्षियों और रेंगने वाले स्तनधारी के रूप में दिखाया गया है। पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले जो होते हैं, यह कलछड़ी जैसे ये पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। इनकी जो बनता है वो किससे बनाते हैं? टहनी, जड़े, ऊन, वाल, रुई, ये पांच चीज़ें होती है। टहनी, जड़े और ऊन, वाल, रुई आदि के अपने घोंसले बनाते हैं, या पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है कलचड़ी, है ना। ये आप लोग देख रहे हैं कलचड़ी। कौआ के बारे में देख लेते हैं। कौआ ये अपना घोंसला पेड़ के सबसे ऊँची डाल पर बनाता है, यानी कि कौआ अपने जो घोंसला बनाता है जो सबसे ऊँची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कौए के घोंसले में लोहे के तार और टहनियाँ होती हैं। कौए के घोंसले में कोयल अंडे देती है, यानी कौआ जो होता है होता होशियार, लेकिन गधा साला कोयल इसमें अंडा देती है, मतलब कि दे जाती है, ये पहचान ही नहीं पाता कि ये कोयल का अंडा है। जब बड़ा हो जाता है तब मालूम चलता है ये कोयल का अंडा है। दर्जन चिड़िया ये है एक नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सीकर घोंसला बनाती है, यानी कि ये जो चिड़िया होती है सिलकर अपना घोंसला बनाती है। इसका जो घोंसला होता है इस प्रकार हम देख रहे हैं सुना हुआ। बीवर पक्षी जो होता है, यह बीवर पक्षी जो होता है ये नर घोंसला बनाता था, मादा उसी से उसे चुनती है और मादा चुनकर उसमें से किसी एक में अंडा देती है, उसमें अपने बच्चे को पालती है। पोख्ता पक्षी, फाख्ता जो होता है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। कैक्टस जो होता है ये कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। कैक्टस आप देख रहे हैं। गौरैया कबूतर पक्षी जो होता है, गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे कबूतर पुराने मकान या खंडरों में अपना घोंसला बनाता है। कबूतर दे और गौरैया। वसंत गौरी जो होता है पेड़ के तनों में गहरा छेद कर अंडे देती है। कठफोड़ा पक्षी पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती है और उसमें अपना घोंसला पेड़ के तनों में ही बना लेती है। ये देख रहे हो आप लोग, है ना। शक्करखोरा जो होता है या पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। शक्करखोरा जो होता है पेड़ की डाली से लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते एवं कपड़ों के चीथड़े होते हैं। उल्लू यह एक राती चरपड़ाई है जो अपनी गर्दन पीछे तक यानी 270 डिग्री तक घुमा सकता है। इसकी आंखें मानुष की भांति होती हैं, इसकी जो आंखें होती है मानुष की तरह होती हैं। मैना पक्षी रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। यह रेगिस्तान में पाई जाती है, उसकी गर्दन जो झटके से पीछे आगे कर लेती है। बगुला पक्षी, बगुला जो होता है भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगले को भोजन मिल जाता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है और उसको भोजन मिल जाता है ना। बुलबुल पक्षी, बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है, यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई तो उसकी पूंछ को देखो, यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह
चिड़िया बुलबुल है, जैसा कि यह देखो। और इसके नीचे का हिस्सा बिल्कुल सफ़ेद रंग का होता है। ये बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखाई देता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरे और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी, जैसे कि ये देख रहे हो। अंडा हुदहुद पक्षी। हुदहुद पक्षी एक बहुत ही सुंदर पक्षी है, जिसके शरीर का सबसे सुंदर भाग उसके सिर की कलगी जैसे कुछ जैसे हो किसी तरह की आवाज़ होती है। वह चौकन्ना होकर परों को फैला लेती है, यानी सतर्क रहती है। किसी खतरे से अगर खतरा दिखाई देता है तो पर को फैला के फन यानी कि पर को फैला कर उड़ने लगती है। हुदहुद जो होता है, इसका सारा रंग, शरीर का रंग जो होता है, रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफ़ेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है और चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके शरीर यानी सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली लंबी और तथा तीखी होती है। इस चोंच से आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढकर निकाल लेती है, जैसा कि देख रहे हो पक्षी। इसे अंग्रेजी में हूप या ऊ कहा जाता है, हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। हमारे देश में कहीं इसे पदुवया हजामिन शाह सुलेमान भी कहते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती हैं। जब तक अंडे से बाहर नहीं निकल जाते, यानी जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते, वह अंडों पर बैठी रहती है, वह हटती ही नहीं है। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिलाते हैं, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के जो विख्यात पक्षियों में से एक हुदहुद, वह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, ना ही इसकी बोली में मिठास है। जानवरों की विशेषता, सबसे पहले हाथी जो होता है झुंड में रहते हैं। ये एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। 2 से 4 घंटे सोता है हाथी, और बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। 10 से 12 हाथी वह बच्चे एक झुंड में रहते हैं। हाथी जो होते हैं 14 से 15 साल की आयु में तक ही झुंड में रहते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलो होता है। हाथी को केला बहुत पसंद है। हाथी को पसीना नहीं आता। सांप की विशेषता, सांप जो अपने भारत में लगभग 50 जहरीले सांप है, लेकिन 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा होता है। एक नाव होता है, करत होता है, दुबैया होता है और अफाई होता है, जैसे नाग। करत, दुबैया, अफाई। सांप के काटने की दवा सीरम से
बनती है। सीरम जो होता है सांप का ही एक जहर जहर से बनती है। सांप के दो खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ देता है, अगर किसी को काटता है उसी के द्वारा जहर छोड़ देता है। सांप के भारी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है, यानी वो कान के द्वारा नहीं, वो कंपन के द्वारा सांप सुनता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु भोजन को चबाता नहीं अपितु निगल जाता है, यानी कि सांप जो होता है वो चबाता नहीं भोजन को, निगल जाता है। सांप कभी वरना नहीं बंद करते, सांप नाक से नहीं सूंघते, सूंघने के लिए सांप जीव का इस्तेमाल करते हैं। सांप के कान नहीं होते इसलिए सांप वीन की धुन सुनकर नहीं नाच सकता। वास्तव में वह वीन बजाने वाले सपेरे से डरकर अपना फैन फैला लेता है और लोग समझते हैं कि वह झूम रहा है। सांप दूध नहीं पीते हैं, कुछ सपेरे सांप को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, इससे उसकी मौत यानी मर भी सकता है। सांप दूध नहीं पीते हैं और सपेरे उनको जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, इससे सांप की मौत भी हो सकती है। गिलहरी, गिलहरी की विशेषता जो होती है, गिलहरी के दांत हमेशा उबड़ते रहते हैं और लेकिन घिसने तक कुतरने से छोटे हो जाते हैं। स्लोथ की व्यवस्था, स्लोथ एक भालू जैसा जानवर होता है, दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर सोता है। यह लगभग 40 वर्ष तक अपने पूरे जीवन में से मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। सप्ताह में एक बार ही सोच करते हैं जो पेड़ से नीचे उतरते हैं। मछली की विशेषता, मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली स्टाउट इन्फेक्ट फिश लगभग 1 सेमी होती है। इसकी लंबाई ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में पाई जाती है। इसके आसपास में सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क होती है। वास्तव में यह व्हेल शार्क व्हेल नहीं बल्कि बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है और व्हेल हमारी तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों को नाक नहीं होती है और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। लेकिन व्हेल बच्चों को जन्म देती है, लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल शार्क बड़ा और ख़तरनाक दिखाई देता है पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबे था, इसका वजन 16,000 किलोग्राम होता है। देख सकते हो व्हेल। ऑस्ट्रेलिया में खरगोश, 1780 में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए थे। उस समय वहां पर एक ऐसा कोई जानवर नहीं था जो कि खरगोशों को खाता हो, इसलिए वहां पर खरगोश जल्दी जल्दी बढ़ने लगे थे।